काम करती है। अब ये फाइनल का मैच शुरू होने की कगार पर पहली ओवर लेकर सज्जे होते हुए गेंदबाज सूरज, इसी बीच ये गेंद पहली गेंद कार्पेट के सारे खेला गया, स्ट्रोक का गेंद आती हुई शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में, डायरेक्ट हिट करने की चाहत जरूर जताई थी लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस सिंगल के साथ अकाउंट को ओपन किया, खाते को जरूर खोला है, रनों की जो रन संख्या है उस पर यहाँ पर शुरुआत जरूर की है। जीतू बैकर्स की टीम की अगर बात करें तो इस एक रन के साथ श्री गणेशा जरूर किया है। सूरज की अगर बात करें काफी बड़े सितारे हैं, बड़ी से बड़ी टीमों में परफॉर्मेंस कर चुके हैं, इस वक्त अपनी घरेलू टीम वर्तक नगर की ओर से गेंदबाजी करते हुए। This is a beautiful delivery. अच्छी गेंद थी, डायरेक्ट हिट। अगर ये गेंद लगती स्टंप पर तो फिर दुर्घटना घटना तय थी, लेकिन अच्छा एफर्ट किया, अच्छी कोशिश की लेकिन यहाँ पर नाकामयाबी हर जरूर ले गई। बिल्कुल हमारे बीच यहाँ पर विकास जी मुकादम साहब आ चुके हैं। वेलकम विकास जी मुकादम साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। संभाजी ब्रिगेड शहर अध्यक्ष माननीय श्री विकास जी मुकादम साहब, आइए विकास दा, आइए प्लीज, आपका हार्दिक स्वागत है। अगली गेंद खेलने का तैयार सूरज, फिर से एक बार इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत थी लेकिन गेंद डिक्लेयर में परिवर्तित होती हुई, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 5 रन। 44 का क्लिक कर लो ना, 44 मेगा 44 स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। सूरज चलिए प्लीज भी फास्ट, टाइम वेस्ट ना करें। इस बार प्रहार किया, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है, लाजवाब सिक्सर, शानदार सिक्सर, जानदार सिक्सर। इस 6 रन के साथ स्कोर में तब्दीली, स्कोर 11 रनों पर कन्वर्ट होता हुआ, स्कोर चेंज होता हुआ 11 रनों पर। थोड़ा फास्ट करना है प्लीज, देखिए सूरज डूबने की कगार पर आ चुका है और हम नहीं चाहते कि आपका फोटोज अंधेरे में आए, क्योंकि बहुत से लोग हैं फेसबुक का ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम काय काय पे फोटो नहीं डालते, और उजाले वाली हो तो बेहतर होगा, अच्छे भी दिखेंगे, लाइक्स भी ज्यादा मिलेंगे, इसलिए मैच की समाप्ति ताबड़तोड़ आपको करनी है, ये चीज ध्यान में रखें। फिर से एक बार सच्चे होंगे सूरज, सूरज की अगर बात करें तो बिल्कुल काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं इस क्षेत्र में। इस बार चेंज ऑफ पेस गेंद जरूर की थी नरेंद्र, जो कि हमारे कमेटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं और आज कहीं परफॉर्मेंस करने गए थे अंडर 22, वहां पर मैच कुछ खासा नहीं रहा, नरेंद्र ने अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की लेकिन रनों को नहीं जोड़ पाए। छह गेंदे जरूर खेली है अंडर 22 में और कुछ रन जरूर किए, मेरे ख्याल से लगभग 6 गेंदों में 2 रन किए, 4 गेंदे डॉट, कोई बात नहीं, साथ में रोशन ठाकुर भी थे। तो ये जो अंडर 22 की टीम है अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, शुभकामनाएं हमारी कमेटी की ओर से और हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से। तो चलिए नए गेंदबाज आए हैं इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर, किरण परफेक्ट ऑलराउंडर, किरण की पहली गेंद का स्वागत किया, खेल दिया है गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए।
आदित्य क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी और धड़ाकेदार बल्लेबाजी इनके माध्यम से इस वक्त देखने मिलती है। ब्यूटीफुल स्ट्रोक यहां पर जड़ा है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। बिल्कुल फील्डिंग को अगर देखा जाए, फील्डिंग की व्यू रचना के बारे में बात की जाए तो एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग मिड विकेट काउ कॉर्नर लॉन्ग ऑन इस बार मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में, सूरज गेंद के नीचे खूबसूरत कैच। आदित्य की इनिंग की हुई है इस वक्त समाप्ति। किरण ने लगाई है इस वक्त लगाम और आदित्य को किया है पवेलियन की ओर रवाना। नए बैट्समैन आ रहे हैं संदीप। संदीप की अगर बात करें तो इससे पहले की मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था नाबाद, 2 सिक्स लगाकर 15 रन की पारी खेलने वाला खिलाड़ी इस वक्त विकेट के बीच में प्रवेश करता हुआ और टीम के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी इस वक्त विकेट के बीच में नजर आता हुआ। बड़ा झटका आदित्य शेट्टी के रूप में लगता हुआ सामना करने के लिए तैयार है। इस वक्त जितेंद्र सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, 1 सिक्स चढ़कर अभी भी विकेटों के बीच में डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, सामना करने के लिए तैयार होंगे इस वक्त गेंदबाज किरण का। इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, यहाँ पर बल्लेबाज तो बीट हुए ही हुए, साथ ही साथ कीपर की भी थोड़ी सी यहाँ पर गलतियां जरूर देखने मिलती हुई और ये 1 रन 22 के रूप में परिवर्तित होता हुआ। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त कन्वर्ट होता हुआ दर्शाता हुआ 17 रन पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम जीतू बैकर्स नौगर की टीम का। इसी बीच ये गेंद, इस बार गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, चेंज ऑफ पेस गेंद जरूर की थी और यहाँ देखिए संदीप को अपना शिकार बनाया, इसलिए कहा जाता है संदीप के बाहर जाती गेंद और बाहर जाती लड़की को अगर आप छेड़ते हो तो उसमें विकेट जाने की संभावना होती है। उसी तरीके की गलती की, बाहर जाती गेंद को छेड़ दिया और यहाँ पर इनर एज लेकर गेंद जाती हुई स्लिप के खिलाड़ी भरत मेहर के हाथों में विकेट का बटन। नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए जयदीप, बहुत खाली है ना, अगली गेंद। इस बार देखिए गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, गेंद को थोड़ा ज्यादा ही टर्न करा दिया था, अंपायर ने हाथों को फहराया और इस गेंद को वाइड जरूर घोषित किया है। स्कोर थमा हुआ 18 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। इस बार ये अच्छी गेंद कारपेट के सहारे खेला गया, स्ट्रोक का गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद प्रशांत जब तक के गेंद को फील्ड करते 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। 19 रन इसी बीच अगली गेंद, इस बार क्लीन बोल्ड विकेट का बदम होता हुआ, एक और झटका इस वक्त जीतू पैकर्स की टीम को लगता हुआ। गेंदबाजी की कमान पर भरत मेहर, भरत मेहर पहली गेंद आक्रामक रूप धारण किया, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन व्हाट अ हिट, क्या बात है। बल्लेबाज जयदीप ने चढ़ा है ये धड़ाकेदार 6 रन। बोलो वो भी करा छतरी, इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। भरत मेहर की अगली गेंद, इस बार टॉप एज अपर कट जरूर देखने मिलता हुआ और 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं,
सिंगल सिंगल से यहाँ पर रनों का जो आंकड़ा है छतरी लास्ट मैच है ना उसका स्कोर लास्ट मैच है 26 रनों पर दर्शाता हुआ 26 रन्स अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार भरत इस बार अच्छा स्ट्रोक कार्पेट के सारे खेला गया स्ट्रोक एक रन यहां पर लिया है जरूर एक रन से ज्यादा कुछ नहीं भरत अमीर की पहली गेंद पर यहां पर 6 रन जड़ने के बाद यहां पर रनों पर थोड़ी सी रोक लगाने की कोशिश है जारी है भरत मेहर की बल्लेबाजों पर इसी बीच ये गेंद सफल हुए थे प्रहार करना चाह रहे थे लेकिन बैट और बॉल की मुलाकात नहीं गेंद रही डॉट के रूप में इस डॉट डिलीवरी के साथ एक अच्छा कमबैक भरत मेहर के माध्यम से देखने जरूर मिलता हुआ इस वक्त जेदी पर जो बल्लेबाज हैं उन्होंने कुछ कान मंत्र दिया है कल्पेश को अब देखना यह है क्या कान मंत्र फायदेमंद साबित होगा या नहीं इस बार देखिए गेंद रही डॉट के रूप में यह है भरत मेहर 6 खाने के बाद भी खर्च किए हैं अब तक के 8 रन एक बॉल अभी विशेष है और यहां देखिए क्लीन बॉल पीछे से दरवाजा खुला रखा गेंद वहीं से परिवर्तित होती हुई विकेट का पतंग होता हुआ एक्सपीरियंस है यस सर जिस तरीके से अनिल सर आप कह रहे हैं काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस है इनके पास सर और बिल्कुल आपके टूर्नामेंट में 5 साल तक लगातार खेलते रहे भरत मेहर एक बड़ा नाम है एक बड़ा सितारा है और इस वक्त बात करें तो स्कोर है 27 रन टारगेट रखा गया है 28 रनों का टारगेट 28 रन परेश बागुल हॅलो हां यो कसली हो दिसतंय मला तू हे आम्ही कॅमेरा मारतो कॅमेरा मारतो हमारे बीच नितिन पटेल सर यहाँ पर मौजूद है यंग डैशिंग पर्सनैलिटी तो प्लीज यहाँ पर हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे नितिन पटेल सर का 40+ के डेंजर बैट्समैन तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर रुपेश वैती सर से कि आपकी शुभ बातों से यहाँ पर नितिन पाटिल साहब का स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए माकड का सांगते आपली
विकास जी मुकदम साहब यहाँ पर मौजूद है, उनका भी हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। विशाल वैदी साहब के शुभ हाथों से यहाँ पर स्वागत और सत्कार जरूर। यस सर, हमारे बीच यहाँ पर विश्वास मुकदम साहब भी मौजूद है, 40 प्लस के ये भी एक हीरो है और कल के दिन इनकी टीम ने यहाँ पर परफॉर्मेंस जरूर किया था। शिवसेना विभाग प्रमुख भी हैं और चलिए मैच ऑन हो चुका है। थैंक यू सो मच, हमारे जितने भी मान्यवर उपस्थित हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद जरूर करते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त 2 रन के लिए लगी है दौड़ और 2 रन के साथ अकाउंट ओपन किया है इस वक्त किरण ने। टारगेट है 28 रन बनाना है 18 गेंदों में 28 रन इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। इसी बीच अगली गेंद हिट लगाने की चाहत थी, गेंद रेंज में नहीं आई, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक कवर्स के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप बैक साइड पर बाउंड्री की तरह 4 रनों के लिए। राहुल कश्यप एक डेंजर बैट्समैन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसे कहा जाता है, थाना का वंडर बॉय क्यों किताब मिला है ये इनके टैलेंट है को दर्शाते बिल्कुल। जीतू बैकर्स के लिए एक और खुशखबरी, कहीं सेकंड जगह भी उनकी टीम खेल रही है, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, कांग्रेचुलेशन क्या बात है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज आदित्य अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा मिस्टेक जरूर किया है और राहुल सामना करने के लिए सज्ज होते हुए। स्कोर है 7 रन। इसी बीच ये गेंद इस बार शफल हो गए, मिस टाइमिंग सो गेंद हवा में और यह मौका बना, खूबसूरत कैच विकेट का बना। राहुल जरूर आउट हुए हैं, यहां पर लगा है भविष्य 11 टीम को झटका। न्यू बैट्समैन भजी इस वक्त विकेट के बीच में, भविष्य को भजी थोड़ा सा दौड़ते हुए चला गया। राहुल जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए हमसे आपली पेंटिंग मुझे कुछ कर कौन सी सा तिकर आयरो ना हाँ अगली गेंद लेकर तैयार लाइव में सच्चे होते हुए आदित्य इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत कार्पेट के सारे खेला गया स्ट्रोक शॉट गेंद को लेकिन जो स्क्वायर लेग की गिरा नहीं गलत डाई खाली बॉल बॉल पकड़ी लागू तो होता फाइनल इसलिए कहा जाता है नहीं कंपलसरी फिटनेस होना जरूरी है। नहीं तो पहले नहीं पड़ती था स्कोर की अगर बात करें तो 1 ओवर 8 रन 12 गेंदों में 20 रन बनाने जरूरी इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। <दिया है वट्ट। laughs>
नको तिच्या बाब्यावर जास्त आहे का त्या सुभाष बोलत येते बरं रेकॉर्डिंग मध्ये दुर्गेलावर तुझा माणूस जाऊन चारच पाच लावले नाही चलिए प्लीज बी फास्ट संदीप टाइम वेस्ट ना करें प्लीज स्टार्ट द मैच बारह गेंदे बैकफुट पर जाकर पंच किया गेंद जाती हुई इस पर निकले जोन की तरफ अगली लेकर फिर से एक बार तैयार होते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर थी लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं किरण अभी भी जारी है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा हिट देखने मिले लेकिन जैसे ही गेंद निकले जोन में परिवर्तित हुई है बच्ची ने स्ट्राइक अपने पास रखने की चाहत जताई है क्योंकि बच्ची की अगर बात करें तो बड़े हिट के धनी बड़ा हिट लगाने में माहिर माना जाता है इस खिलाड़ी को अब देखना ये है कि जीत के लिए जो रनों की दरकार है बची हुई 10 गेंदें शेष है और 18 रनों की जरूरत है इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए जिसकी इनामी राशि 70,000 और ये आन बान शान की ट्रॉफी कौन होगा इसका विजेता इसकी खोज इस वक्त अभी भी जारी है क्या वो भविष्य 11 की टीम होगी वर्तक नगर की या फिर जीतू बैकर्स यहां पर अपना दबदबा बरकरार रखेगी जिस तरीके से उन्होंने गुड़साई की टीम को हराया है वो दबदबा बरकरार रखेगी इस बार देखिए एक रन यहां पर मिलेगा जरूर एक रन से ज्यादा कुछ नहीं अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सज्ज होंगे यहाँ पर गेंदबाज संदीप इसी बीच ये गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया और ये एक रन से ज्यादा कुछ नहीं सिंगल सिंगल से इस वक्त बात नहीं बनेगी लेकिन मैं संदीप की प्रशंसा जरूर करूंगा कि इन्होंने अब तक के खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है अब तक की कोई ऐसी गेंद नहीं की कि जिस पर बल्लेबाज अटैक कर सके प्रहार कर सके उस तरीके की गेंद अब तक की इनकी देखने नहीं मिली 8 गेंदें 16 रन की जरूरत 8 गेंदों में 16 रन कंपलसरी बनाने हैं विजेता अपने आप को घोषित करना है तो कंपलसरी ये रन को पूरा करना होगा राजू भाई स्पोर्ट्स प्रेजेंटर राजू भाई चषक का 2020 के अंतिम और आखिरी मुकाबला इस वक्त जारी है इस बार देखिए ये गेंद तेज तर्रार रही डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जो स्टंप के पीछे खड़े हैं खिलाड़ी मैं उनकी तारीफ करूंगा वो पहले अपनी पैंट सही करते हैं फिर गेंद को फील्ड करते हैं कोशिश अच्छी जारी है यस सर यही जीतू है यस सर क्या बात है जीतू भाई आपकी टीम को सलूट है और आपको भी सलूट है आपकी दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंची है इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं लेकिन कीपिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं
अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार बड़ा इंट लगाने की चाह, 20 टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में और यहाँ पे देखिए चार खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरती हुई और स्टंप के पास में बैकअप पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन चलिए अच्छी बात रही। देखिए पांच खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए यहाँ पर आए कैच को पकड़ने के लिए। क्या बात है, मराठी में कहो तो मला का खुला है, कैच कर रहा था थी पाचा वर। बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता है। पांच खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी है, कॉल देना जरूरी होता है। एक तरफ से जीतू दौड़ते हुए आए, एक तरफ से संदेश दौड़ते हुए गए, 38 सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी थे वो दौड़ते हुए गए, लैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी, मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़ते हुए गए। कैच ड्रॉप हुई है, छह गेंदें बची हैं और रनों की जो जरूरत है वो है 12, छह गेंदे 12 रन, छह गेंदों में 12 रन की जरूरत है। शिकारी जितेंद्र गेंदबाजी का जिम्मा अपने हाथ में लेते हुए, जितेंद्र की अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कैचेस पकड़े हैं तो ये खिलाड़ी का नाम मैं जरूर लूंगा। देखिए इनका ये एरिया था मिड विकेट और यहाँ पर ही इन्होंने 7 से 8 कैचेस लपके एक ही जगह पर, 7 से 8 और 2 कैचेस छोड़े भी, 2 कैचेस इन्होंने ड्रॉप भी किए, 7-8 कैचेस पकड़े हैं। तो बिल्कुल गेंदबाजी की अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर आते हुए जीतू जो कि कैप्टन है इस टीम के, आज के दिन फाइनल में इन्हें प्रवेश किया गया है और कीपर की भूमिका में है। एफर्ट वो भी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, पसीना वो भी बहा रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट ओवर का खेल बाकी है, 6 गेंदे 12 रन, 6 गेंदों में 12 रन की दरकार। इसी बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया गेंद हवा में और ये हो, इसे क्या कहा जाए। बिल्कुल खिलाड़ी का नाम है सनी और ये अपनी टीम के लिए सनी देवल बन गए, 6 रन छोड़ दिए और वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां कैच थी, अगर ये कैच पकड़ते तो मैच का दृश्य चेंज हो सकता था, मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ। 5 गेंदों में 6 रन की जरूरत। इस बार सिंगल की चाहत है, नर्सिंग की मामला दुर्घटना घटने के आसार और रन आउट के रूप में विकेट का बना। यस, ये अगर 6 नहीं गया होता तो फिर मैच पूरी तरीके से दबाव में आ सकता था। बोंगा मानू टाका जी राशि टाका जी थी बिल्कुल, कैच तो अच्छे अच्छे पकड़े हैं लेकिन यहाँ पर ये मैच जो टर्न होने वाला था वो टर्निंग मोमेंट पे कैच छूटना यानी मैच छूटना, विकेट की परिभाषा है टेक द कैच एंड विन द मैच, पकड़ो कैच और जीतो मैच, ये सिचुएशन होता है। अगर आपने इस वक्त फाइनल में प्रेशर भी होता है खिलाड़ियों पर, दबाव भी होता है और ये यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, आप 8 खिलाड़ियों के साथ आए थे खेलने के लिए, बाद में कुछ खिलाड़ी और आपके साथ ऐड हुए हैं, उसमें से एक यंगस्टर को मौका दिया है और यंगस्टर जब फाइनल खेलता है तो उस पर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, जब बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है वही दबाव वही प्रेशर के कारण यहाँ मेरा कैच सनी के हाथ से कैच छूटता हुआ। और चलिए उनकी टीम ने उनका हौसला अफजाई जरूर की है, आने वाले वक्त में वो भी एक अच्छे क्रिकेटर अपनी टीम के लिए बनकर दिखाएंगे, ये आशा उम्मीद रखते हैं। तो अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बैक फुट पर जाकर कट करना चाह रहे थे लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। 3 गेंदें रनों की जो दरकार है, 3 गेंदों में जरूरत है 6 रनों में, 3 गेंदें 6 रन, 3 बॉल 6 रन, कौन सी टीम है जो इस आन बान शान की ट्रॉफी को उठाएगी, चैंपियन कहलाएगी। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, अब 2 गेंदें और जीत के लिए 5 रनों की जरूरत, 2 बॉल 5 रन, 2 गेंदे 5 रन, क्या ये ट्रॉफी
फर्स्ट प्राइज की खाना में रहेगी या फिर जीतू बैकर किसे नौकर ले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं? बिल्कुल, आज जीतू बैकर के ऑनर ने भी मेहनत की है ट्रॉफी के लिए, क्या फील्डिंग की है लाजवाब? धोनी बॉल खेला, धोनी बॉल खेला, जिनके नाम से ये टीम खेल रही है, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जरूर सबके।